नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक अलग ही यूनिक लेके आए हैं जो आपको मतलब दुनिया की लाइमलाइट पे तो नहीं आ रहा, लेकिन जो चीजें हो रही है ना, जिस तरीके से कछुए की सफर जो होती है, कछुए की जो दौड़ चल रही है, उसमें कछुए की तरह साउथ अफ्रीका आगे बढ़ता जा रहा है और ये रेस वो जीतता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो कैसे कंटेंडर जो साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी अंडररेटेड है, उनके बारे में कोई बात करते हैं नहीं। पर जिस तरह से इनकी दो सीरीज गई है अभी करंटली, आयरलैंड के खिलाफ चल रही है, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ थी, पहला मैच हार गई थी, पर पहले मैच में भी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी और बाकी के दो मैच जीती उन्होंने, सीरीज जीत ली थी। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जो यंग ब्लड है, पहले बात हो रही थी कि भाई फैफ डुप्लेसी नहीं है, फैफ को नहीं है, एबीडे भी चले गए, हाशिम अमला भी चले गए, पर जो यंग ब्लड है, बेबी एबीडे विलर जिनको क्या नाम था उनका, डेवाल्ड ब्रेविस, वो जो इनके जो अभी मुंबई इंडियंस के अंदर है, त्रिस्तान प्रस्थान स्टब्स, स्टब्स वो तो ऐसे दो तीन पर इनके आ चुके हैं। इनकी पेस बैटरी भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब जो इनके कैप्टन है तेम्बा बैमुआ, वो भी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। डेविड मिलर का जो एकदम से रिडम्पशन हुआ IPL के बाद, तो इनकी पूरी टीम पावर पैक लग रही है, पर इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जैसे न्यूजीलैंड को अंडररेट करते हैं, वैसे इनको भी करा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज। देखो, जब से डिविलियर्स, यूपी प्लसी, मॉर्कल सबने जो छोड़ दिया है ना, उसके बाद से कोई पूछता नहीं साउथ अफ्रीका को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स, जिस टीम का भी सबसे बैकबोन मजबूत है, जिस टीम का एकदम कंपोजर, जो कंपोजिशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, और जो जो एक दावेदार है वो एक सिद्ध है। आप इसको लाइमलाइट में इतना नहीं गया, आप हल्के में ले रहे साउथ अफ्रीका को, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है ग्रुप बी में जो है, इंडिया पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका के पास सब कुछ है। देखिए, दो ओपनर्स की बात आता है तो रीजा हैंड्रिक्स और डीकॉक जैसे ओपनर्स, इनके पास इनका जो टॉप ऑर्डर में, फिर अब तो रिली रूसो भी आ चुके हैं, तो रिली रूसो के 30 नंबर बैटिंग करेंगे, तो टॉप थ्री इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिडिल ऑर्डर में इनके पास तीन क्लासिकल बैटर्स हैं, जिनमें एक आते हैं एडन मार्करम, वेंडर डसन, उसके बाद डेविड मिलर। ऐसा स्ट्रॉन्ग इनके पास मिडिल ऑर्डर है। जब इनको एक ऑलराउंडर की कमी चाहिए होती तो उसको क्रिस्टन स्टब्स पूरा कर देते हैं। अब ये स्पिनर्स की जो मांग डिमांड उठती है, आप स्पिनर्स में देखिए, इनके पास केशव महाराज है, इनके पास शामशी है, 5 विकेट अभी शामशी ने लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, 6 विकेट लिए थे शायद, 5 या 6 विकेट। अब पांच ये देखिए, ये तो हो गया यहाँ तक, लेकिन तीन पावर ड्वेन प्लेस बैटर्स हैं प्रिटोरियस इनके भी पास। है। ड्वेन प्रिटोरियस जैसा एक ऑलराउंडर है जिसको मैं लेने वाला था, इनके पास पेस बैटर भी उतनी एक अच्छा ऑलराउंडर है, वो ड्वेन प्रिटोरियस है स्लैश आप लोग एनडीडी लगा दीजिए इस कंटेक्स्ट में, या तो आपका लेना चाहे या एंडिले फिलिपाए, तीन इस दावेदारी में सिद्ध है, एंडिले फिलिपाए स्लैश लुंगी एनडीडी स्लैश ड्वेन प्रिटोरियस, दो ऐसे हैं रबाडा और सॉरी एंड्रिच नॉर्किया, और क्या जो खतरनाक क्या बोल सकते हैं, पेस बैटरीज है, बड़े एक सौ बड़े पचास महारथियों को खतरनाक उड़ाने की, बड़े बड़े महारथियों को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। तो इस टीम के पास वो सब कुछ है जो एक कंटेंडर, जो एक नॉमिनी नॉमिनेटेड जो हो सकती है टीम, ये एक जिसे बोल सकते हैं हम एक अलग ही दावेदार है T20 वर्ल्ड कप की, तो ये डोमिनेट कर है रही है ये अभी टीम, T20 में, तो ये स्पेशली टीम। डोमिनेट कर रही है सबसे मेन इसकी प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें चांसेस इनके तब बढ़ जाते हैं जब सुपर 12 स्टेज में तो आ जाते हैं, ये सुपर 12 स्टेज में तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इनका जो मेन कंटेंडर्स रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान, तो ये इन दोनों को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंडिया को चुनौती देखी गई है, हाँ पहले दो अभी मैचेस श्रृंखला के हरा दिए थे। एक चीज इनकी अच्छी लगी मुझे कि इनका सारे बॉक्सेस फिल तो हैं, इंडिया की जैसा तो नहीं कि भाई किसी से भी ओपन करवा लो, हाँ मिडिल ऑर्डर नहीं मिल नहीं, रहा, बॉलिंग किसी से भी करवा लो, इसको रेस्ट दे दो, इनके बिल्कुल फिक्स है। डी कॉक और रीज़ हेंड्रिक्स ही ओपन करेंगे। रीज़ हेंड्रिक्स अभी टॉप 3 लिस्ट के अंदर आ गए T20 के। डी कॉक इनके परमानेंट है विकेट कीपर। इनका मिडिल ऑर्डर भी फिक्स है, एडन मार्करम, वेंडर डुसन और डेविड मिलर। जो डेविड मिलर का रिडम्पशन हुआ, इन्होंने स्टब्स को भी अब परमानेंटली रख दिया। ड्वेन प्रिटोरियस स्लैश वेन पंडेल को इन्होंने रख रखा है ऑलराउंडर की सूची के अंदर। और इनके तीन जो पेसर्स है, लुंगी एनगेडी, रबाडा और नॉर्के, हमेशा इनके फिक्स है। आप एक को रेस्ट दोगे बस ज्यादा से ज्यादा, और किसी को रेस्ट भी नहीं देते ये। अब अभी सुनो, बस डेविड अब मिलर ने सुनो, दिया मेन था। है बाकी बाकी सारी टीम जो वर्ल्ड कप के दावेदार लग रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, सबकी टीम्स का भी ऐसे चल रहा है, ऐसे बैलेंस नहीं है, एक अनबैलेंस स्टेट में है सारी टीम्स। पाकिस्तान के पास अभी तक ही कोई वो नहीं है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम के बाद वो जो 30 और 4 5 नंबर की लड़ाई है, तो शोएब मलिक जा चुके हैं, हाँ मोहम्मद हफीज शोएब का मलिक भी को कुछ नहीं पता दिया नहीं अभी। है, नए यंग प्लेयर्स को फिल करने की जगह नहीं है, बार बार स्टेबिलिटी आ रही नहीं है टीम में, और पेसर्स में भी जब वो छोड़ चुके हैं तो उसके बाद भी एक मेन इशू पड़ेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, अभी ये नहीं पता कि आपको 30 मिनट को वर्ल्ड कप खिलाना है नहीं खिलाना। आप फिर देखेंगे कि
तीसरे नंबर पे मार्श को खिलाऊं, तीसरे नंबर पे इसको खिलाऊं, चौथे नंबर पे किसको खिलाऊं, पांचवे नंबर पे किसको खिलाऊं। न्यूजीलैंड डेविड को लेना है, नहीं लेना ये भी है। हाँ, न्यूजीलैंड किसको देखे, न्यूजीलैंड का भी इस रुख में। इंग्लैंड के पास स्टेबिलिटी नहीं, इंग्लैंड के पास प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेन स्टोक्स भी हालांकि टी ट्वेंटी टीम का मेंबर, जोफ्रा आर्चर तक भी अगर फिट हो जाता है तो इंग्लैंड बहुत खतरनाक दावेदार है। लेकिन कैप्टनसी इशू कभी भी, क्योंकि कैप्टनसी एक मेन है। अगर आपका लीडर ही अच्छा नहीं होगा ना, तो कितने ही वो आप लगा लीजिए, कितनी ढेर लगा लीजिए, कितनी क्वालिटी रख लीजिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पहले तो चलो मॉर्गन ने अच्छी कैप्टनसी करी थी, मॉर्गन ने कैप्टनसी करी थी, बस वही फर्क पड़ता है। लेकिन जॉस बटलर मुझे उस कैप्टनसी का असली दावेदार नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम में अनस्टेबिलिटी अभी भी है एज अ कैप्टनसी। लेकिन ये टीम साउथ अफ्रीका एकदम फिट बैठती है, पेज में भी, क्वालिटी में भी, क्वान्टिटी में, इतना कोई चेंज भी नहीं कर रही इनकी। 15 तो मैं अभी साहब को गिना दूंगा, क्योंकि जो ये स्क्वाड खेल रहे हैं इसके अंदर अभी भी टेम्बा वैभूमैन नहीं है, वो इंजर्ड बैठे हैं अभी, उनको भी आना है, वो कैप्टनसी करेंगे। लुक्स वगैरह उन पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम भी एक सपोर्ट करते हैं क्रिकेट चैनल, हम भी एक जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको हम भी अवॉइड करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऐसी चीजों को। उस बंदे को अपने कप्तान बना रखा है, और इस वजह से बना रखा है कि हम रेसिज्म के खिलाफ एक नई इनिशिएटिव लिया है हमने, एक काले रंग के ही कप्तान को ब्लैक लाइव मैटर वाले, तो ब्लैक लाइव मैटर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको कप्तान बना दिया। ये सबसे गलत चीज है। आपको क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो बंदा आपका सेट था ना, उसको बनाना चाहिए था। अगर आप रेसिज्म को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्वालिटी के हिसाब से जज कीजिए, तो फिर आपको बार बार प्रमोट करने की क्या जरूरत है, और इनके पास प्लेयर की कमी नहीं है, मतलब इनके बिल्कुल 15 की 15 फिक्स है। इंडिया जैसी कंफ्यूजन नहीं इनके पास कि ओपन किसी से भी करा लो, ओपनर इनके मेन अच्छी बात है कि फिक्स रहते हैं, डीकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, अभी रीली रोसो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और क्या खेल के गए इंग्लैंड जैसे पेस अटैक के सामने। एडन मार्करम का जो रिडम्पशन हुआ है, जिस तरह से 140-150 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। डेविड मिलर का जो रिडम्पशन है, त्रिस्तान स्टब्स, यंग बैटरी आ गई इनके पास, डेवाल ट्रेविस भी बैठे हैं अभी बैकअप के अंदर जाएंगे वो भी, केशव महाराज एक स्पिनर, तबरेज शमशी एक स्पिनर। डेवाल ब्रदर्स को मान के चलिए कि वो जाएगा, वो बंदा जाएगा, लेकिन अभी 15 में होंगे पर प्लेइंग 11 का। देखो अगर आपकी, देखो अगर आपकी एक सेट टीम चल रही है ना स्पेसिफिकली, कि आपको ये सर पावर पेस बैटर या फोर्स कौन खेलना, लेकिन अगर आप ये जीते हो उन्हें मिल रहा ना, तो इनको ही खाओ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है आपको चेंजेस करने की, ये वो इधर उधर चेंज कर रहे हैं। अगर ये सेट है तो इनको खिलाओ, यहाँ पे ऑन पेपर उतारो, इनको यही परफॉर्म करके देंगे आपको। इनका बिल्कुल सेट मामला है, कोई इतना टहलम टोल नहीं है इनका इंडिया की तरह की भाई ये इसको हटा दिया, चलो इसको रेस्ट दे दिया, क्योंकि रेस्ट किसी ने नहीं दिया, हर कोई लगातार क्रिकेट खेल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे केएल राहुल को अपने आते पता नहीं है, विराट कोहली को जिम्बाब्वे में भी चांस नहीं दिया, रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज, रोहित शर्मा ने ओडीआई वाले में ले लिया था, तो यहाँ पे कम से कम चलो इनका फिक्स तो है कि भाई सब जने खेल रहे हैं और सब जने परफॉर्म भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, अगर एक टीम आयरलैंड के खिलाफ या वही प्लेइंग 11 उतारेंगे जो आप इंग्लैंड के खिलाफ उतार रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही प्लेइंग 11 उतारेंगे जो आप दूसरी टीम के खिलाफ उतार रहे हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि आप स्टेबिलिटी दे रहे हैं टीम को, क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप के आगे देखना है। आप ऐसे नहीं कर रहे टीम को बता दिया ये कि भाई हम आपको ऐसा भेदभाव नहीं करते कि आप कोई छोटी टीम हो तो हम अपनी बी टीम को भेज दें, हम हमारी ए टीम ही खिला रहे हैं, तो सामने वाले को ही मजा है कि यार ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आया हमारे सामने। और इतना भी कोई बुरा नहीं, मतलब 21 रन से आ रही है वो आयरलैंड, ठीक खेली है। अब उनके जो टक्कर है विकेट कीपर 78 बनाए तो 205 की स्ट्राइक रेट से 224 तो इंडिया ने भी बना दी थी उस दिन, लेकिन 220 तो आयरलैंड बना के गई थी 4 रन से याद थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट है तो इन्होंने वैसा काम नहीं करा कि भाई जैसे अपने वेस्ट इंडीज में बी टीम को भेज दिया, अभी जिम्बाब्वे वाले में जो स्क्वाड चुना है उसका कोई लेना देना ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप से जिम्बाब्वे वाले स्क्वाड का, तो इनका फिक्स रहता है, बिल्कुल सेट पैटर्न के साथ चलते हैं। बैकअप में सबको लेके चल रखा है, प्रिटोरियस का बैकअप, वियान पडनेल है, 2 साल बाद जो कमबैक कर रहा है रीली रूसो, वो इतना अच्छा खेल गया,
नंबर 3 का इनके पास बैकअप है, सारे बैकअप लेके चल रहे हैं, सारे इनके बॉक्सेस ठीक है, और इनकी बातें कोई कर नहीं रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप एक फोर में बना लेगी एक जगह। देखो एक साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कि फरहान बेहारडीन नाम का एक प्लेयर था जो 2015 हाँ वर्ल्ड कप के टाइम पे था, फरहान बेहारडीन, उसके भी ये लाइमलाइट में खबर आ गई कि वो भी कमबैक करने वाला, रिलीज उसने जिस तरीके से कमबैक किया कि वो भी स्क्वाड के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 2015 में था वो बेहारदीन, फरहान हाँ बेहारदीन। हाँ फरहान बेहारडीन, तो मेरे को लगता वो जिस तरीके से आ रहा था वो भी कमबैक करेंगे एक टीम में, तो बहुत पावर तो उस लेवल का पहुंच जाएगी। तो इनका सही है हाँ टॉप 4 में जगह बना लेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है T20 वर्ल्ड कप के, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे, पिछला सीजन भी अच्छा गया था इनका, पिछला इनका लक साथ नहीं दिया था, इस वजह से बाहर हो गई थी T20 वर्ल्ड कप से। हाँ और बस नेट रन रेट कम रह गई थी। हाँ, नेट रन रेट का इशू था, और उसमें भी यही था कि आपके कैप्टन थे तेंबा बैबुमा, पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आई नहीं थी। अगर अभी आप बैबुमा को हटा देते हो, स्प्लिट कैप्टनसी कर देते हो, साफ सी बात कि यहाँ पे आप मिलर को बना दो कैप्टन, या मिलर नहीं तो महाराज जो आपके रहते केशव महाराज को बना दो T20 के अंदर, तो आपको काम से ही बैठ जाएगा कि टेस्ट में आपके वो कर लेंगे तेंबा बैबुमा, जो टेस्ट वो अच्छा खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर T20 में उनका रहता है थोड़ा, क्योंकि तेंबा आएंगे तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। रीज़ हेंड्रिक्स अच्छा खेल रहे हैं, एडन मार्करम अच्छा खेल रहे हैं, वेंदर डूसन भी है, पता नहीं यार, प्रिस्टन देखो स्टब्स भी है। उस बेवकूफ को तो बाहर भेजेंगे नहीं ये लोग, फिर वो उसको भी कंदीसू रबाडा तो चलो फिर भी एक लाइव प्लेयर तो खिलाएंगे, अब वो अगर नहीं खेला तो फिर इसका तो दो प्लेयर्स तो इनकी रिजर्व ऐसी है, इनकी पॉलिसी चलती कि दो जो है लुंगी एनगेड़ी है काले ना। प्लेयर्स हैं, हाँ काले प्लेयर्स खेलेंगे या फिर लुंगी एनगिड़ी को भी खिलाएगा, फिर रबाडा को भी खिलाएंगे, तो बढ़िया दोनों ही खेल रहे हैं वो, बस चाहता हूँ ये खेले ये दोनों, वो नहीं आए बस मिलर को पता नहीं। हाँ, बाकी इनकी टीम बढ़िया है, टॉप 4 में जगह बना लेगी। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दो टीम अभी ऐसी लग रही कि जो भी खेल ले। इंग्लैंड का चलो एक ओपनर ही तो नहीं चल रहा, रॉय, अभी इस मैच में, पर उनके पास बैकअप अच्छे हैं, फिल सॉल्ट है उनके पास एक जो अच्छा खेल रहे हैं, जो इनकी लीग चल रही थी द हंड्रेड। इंग्लैंड के पास ऐसी लाइन भरी पड़ी है, लाइन है कसार है, इंडिया के उनके तो पास भी कोई ऐसी भी ओपन कसार कर है। लेता है, उनके बेयरस्टो भी ओपन कर लेंगे बटलर के साथ, उनको दिक्कत नहीं, मोइन अली भी ओपन कर लेते हैं, तो इंग्लैंड का पूरा पावर पैक्ड है। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका टॉप कंटेंडर है, ऑस्ट्रेलिया को अंडररेट नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं कि भाई हाँ, होम होम टीम है जो होस्ट करवा रही है, तो उसको भी एडवांटेज रहेगा ही, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, बस इंडिया को कुछ भी करके पहुंचना पड़ेगा, अभी तो लेकिन साउथ देखो अफ्रीका की टक्कर एक है। चीज हाँ। और, एक चीज और है फैक्टर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस बहुत मैच खाती है, बहुत बाउंस होती है इनकी पिचेस पे, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए एक दूसरा होम होगा, इनके होम टूर में होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट ईयर दावेदारी अपनी सिद्धि की वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड था, उनकी कंडीशन मैच खाती है यूएई से, तो यही वो एक मेन इशू, यही एक मेन वो वजह रहेगी साउथ अफ्रीका के एक स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पिचेस पे बाउंस बहुत होती है, तो एक दूसरे होम कंडीशन से मैच आएगी तो एक ऑन बेटर ऑफ एडवांटेज मिलेगा हम। तो यही यार, हमको तो ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका अंडररेटेड है, अभी इनकी कोई बात चल नहीं रही, पर ये आप देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस कर जाएगी कि कहीं ना कहीं ये टॉप 4 के अंदर आराम से आ जाएगी, और जिस ग्रुप में ये बैठी है उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दो टीमें आने वाली, तो इतना डिफिकल्ट ग्रुप भी नहीं है इनके लिए कि जो नेट रन रेट का इशू हो जाए जो पिछले सीजन रहा इनका, तो इस बार ये पहुंच सकती है मेरे हिसाब से इस ग्रुप में से। तो इंडिया को होपफुली अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो साउथ अफ्रीका अपना रहा है कि यार सारा बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न लेके चल रहा है, वैसा कुछ इंडिया करे तो इनकी बात हो। फिलहाल इस वीडियो से इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।